गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्क्रीन इज विजिबल बेटा? अरुणामा, अर्पित, नील, यस मैम। फाइन। नाउ टुडे वी आर, शायद वेनब्रिज का हो गया था। संतोष, विल यू शेयर योर स्क्रीन एंड शो योर वैल्यूज? यस मैम। वेट, आई जस्ट ऑफ माय स्क्रीन। थोड़ा जल्दी आज मैं चाह रही हूँ आरसी फेलोशिप कर लें, फिर एक या दो लैब में तुम्हारे वो तीनों ओपैम वाले वैसे भी किट अब आएंगे या जो भी है, तो उसकी थ्योरी करानी है शायद, देखते हैं। यस हाँ ठीक है, जब तक मैं बता रही हूँ आरसी फेलोशिप करेंगे अपन। थ्योरी एक्चुअली ऑब्जेक्ट एपरेटस, थोड़ा अब थोड़ा आज फास्ट लिखना रहेगा तुम्हें। मैं चाह रही हूँ कि अपन इसको कंप्लीट करें। वैल्यूज में चेंज था क्या संतोष? मैम मैम वैल्यूज में कोई चेंज नहीं था। नहीं, कैलकुलेटेड और वो मेजर्ड वाली में? मैम मैंने जो कैलकुलेट की थी इनमें तो कोई डिफरेंस नहीं आया। ठीक है, मेजर तो वैसे भी तुम लोग जो लोगे या अभी तो ये लिख लो, फिर बाद में देखा जाएगा। ठीक है, दो वैल्यूज ली थी ना अपन ने। यस मैम। अच्छा, तीनों कैलकुलेटेड वैल्यू एग्जैक्टली सेम है, बस वो हार्टले हाँ कॉन्फ्लिक्ट में ही आया। ठीक है, ऑफ योर स्क्रीन। ओके मैम। ठीक है, अब ये जो वैल्यू आई है ना तुम्हारी, इसके रिस्पेक्ट में वो जो मेजर्ड हमने लिख रखी है, और एरर निकाल लेना, फिर लेटर ऑन विल सी व्हाट टू डू। ठीक है, नाउ सी टूडे वी आर गोइंग टू डू अवर लास्ट ऑक्सीलेटर, दैट इज आर सी ऑक्सीलेटर। सो द ऑब्जेक्ट इज स्टडी एंड इम्प्लीमेंट द ट्रांजिस्टर फेज शिफ्ट ऑक्सीलेटर एंड ऑब्जर्व द इफेक्ट ऑफ वेरिएशन इन आर एंड सी ऑन ऑक्सीलेटर फ्रिक्वेंसी। ठीक है, एंड कंपेयर द विद द थियोरेटिकल वैल्यू। प्लीज राइट डाउन फास्ट इट्स ऑब्जेक्ट, तो वही है जो एम है। एपरेटस में हमें एक तो किट चाहिए, सी आर ओ डेल्ट चाहिए, प्रॉब्स, कनेक्टिंग लीड्स, ये सब चाहिए। और कंपोनेंट्स में भी जो किट में रहते हैं, रेजिस्टेंस वगैरह की वैल्यू, यहाँ मैंने अलग से इसलिए भी मेंशन करी है कि सो दैट विल कम टू नो इन द कैलकुलेशन पार्ट। तो थ्री रेजिस्टेंस तो 1 किलो ओम के रहते हैं, टू रेजिस्टेंस 4.7, वन मोर रेजिस्टेंस ऑफ 330, थ्री कैपेसिटर 0.022 माइक्रो फैरड। ये वाले जो तीन रजिस्टर हैं और ये वाले जो तीन कैपेसिटर हैं, इनसे ही मिलके हमारा जो ये आर सी फेज शिफ्ट है ये रहेगा। तो कैलकुलेशन में हमें ये 1K और 0.022 की वैल्यू लेनी है जब हम कैलकुलेट करें। अनदर वो जो दूसरा कैपेसिटर जो है वो बायपास की तरह यूज होता है, दैट इज 62.23 माइक्रोफैरड, एंड वन ट्रांजिस्टर दैट इज BC547। प्लीज राइट डाउन फास्ट, आई जस्ट वांट टू इनिशिएट योर ओपन प्रैक्टिकल। उसको तुम एज अ प्रैक्टिकल, ये सर्किट है ऐसा होता है, उसमें तुम्हें ज्यादा माइंड नहीं लगाना है, बिकॉज थ्योरी में तुम्हें सब क्लियर हो जाएगा। प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है, दैट वी नीड टू फोकस। डू इट फास्ट बेटा, ऑब्जेक्ट और ये तो लिख लिया होगा।
हो गया। ओके नील, संतोष हो गया बेटा। नाउ यस मैम। इन थ्योरी कंपोनेंट वैसे अलग से लिखने की जरूरत नहीं रहती है, बट वंस अपॉन अ टाइम लाइक इन 2008-09 हम ब्रेड बोर्ड पे भी ये पूरा परफॉर्म करा के बताते थे बच्चों को। उसके अलावा भी ये है कि जस्ट किट में तो सर्किटरी होगा, फॉर कैलकुलेशन व्हाट यू नीड वो तुम्हें पता चल जाए। थ्योरी में इसमें यही है, ये तो अपन उसमें लिख चुके थे वैन ब्रिज में, तो ये तुम्हें लिखने की जरूरत नहीं है। आरसी फेज शिफ्ट का जरूर लिखोगे कि ईच आरसी सेक्शन प्रोड्यूसेस, जैसे जैसे मैं बोलती जा रही हूँ लिखते जाओ, दैट प्रोड्यूसेस द 60 डिग्री फेज शिफ्ट, दैट द टोटल फेज शिफ्ट इज प्रोड्यूस बाय द आरसी जो सेक्शन है वो 180 डिग्री रहता है, और एडिशनल जो 180 प्रोड्यूस होता है वो कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर से होता है। That is why the total produce is 360 or zero, we can say neutralize हो गया। फाइन, और जो फ्रिक्वेंसी हम एलोकेट करते हैं ये तुम्हें डेरिवेशन वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी तुम इसके डेरिवेशन सारे ऑक्सीलेटर्स के करना, एक ना एक 110% आरटीयू में आता है। सो व्हेन यू एवेलेट इट, तो फॉर्मूला जो फ्रिक्वेंसी का रहता है वो आता है 1/2 πRC√6+4A। सो ये ए जो रहता है RL/RO, वॉट इज दिस आर, आर जो आर सी फेज शिफ्ट में लगा है, और ये लोड रेजिस्टेंस, जनरली ये दोनों इक्वली रहते हैं, इसीलिए द फॉर्मूला विच यू यूज फॉर द कैलकुलेटेड फ्रिक्वेंसी इज 1/2 πRC√10, दैट इज गोइंग टू बी देयर। राइट ऑन फर्स्ट, फिर तुम्हें जो डायग्राम है वो बनाना है एंड प्रोसीजर लिख के करना है। मैं चाह रही हूँ ये कंप्लीट करके अ लिटिल बिट अबाउट लाइक यूर आई मस्ट से उसका इन्फॉर्मेशन दे दूं, ऑप एम्प के जो प्रैक्टिकल हैं तीन, क्योंकि उसमें ज्यादा नहीं है, स्टार्ट कर दूं। कल भी शायद मैं लैब लूंगी, देखते हैं। अब इसमें अपना ज्यादा नहीं बचा है, और रिलैक्स, डोंट बॉदर, आई विल गिव यू सफिशिएंट टाइम। जिस दिन अपनी लास्ट लैब होगी ना, नेक्स्ट वीक भी एक दो ले लेंगे तो हो जाएगा, उससे 20 डेज का टाइम तुम्हें मिलेगा फाइल कंप्लीटेशन के लिए, लेकिन सारी पूरी अच्छी तरह से रिटर्न और सब कर लेना। जल्दी लिख लो, आरसी फेज शिफ्ट क्या है ये तो मैंने पहले ही बता दिया था, इसमें यही रहता है 60 डिग्री हर सेक्शन से प्रोड्यूस होता है, टोटल 180 डिग्री रहता है, इसके बाद इसका सर्किट डायग्राम। सिक्वेंस ऑफ प्रैक्टिकल हमेशा ध्यान रखना, ऑब्जेक्ट है, एपरेटर्स रिक्वायर्ड है, कंपोनेंट्स है, थ्योरी, सर्किट डायग्राम, देन द प्रोसीजर, कैलकुलेशन, ग्राफ, रिजल्ट, कंक्लूजन।
हो गया बेटा, अरुणामा, अनुजा, दिस इज अ सर्किट डायग्राम, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट आल्सो, एंड क्योंकि ये डायग्राम तुम्हारा थ्योरेटिकल भी है, और वो जो आर तीन कैपेसिटर हम ले रहे हैं वो 1K के ये हैं, और वो 0.022 माइक्रोफैरेड के हैं, वो ये हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस दिस कैपेसिटर रेजिस्टेंस वी आर टॉकिंग ना, टू रेजिस्टेंस दिस वन, सो ये दोनों जो है 4.7 के हैं, अनदर रेजिस्टेंस ये है, इस तरह से वो है। ये हमारा बेसिक एम्पलीफायर है जो 180 डिग्री प्रोड्यूस करता है, ये आरसी फेज शिफ्ट वाला जो है ये रिमेनिंग 180 प्रोड्यूस करता है, ठीक है। आरएल इज नथिंग बट ये लोड रेजिस्टेंस है जहां से हम आउटपुट लेते हैं, दिस इज अ कॉमन एमीटर, हमने कहा 180 ये करा है, और ये तुम लिसाजूस पैटर्न अगर तुम्हें फर्स्ट ईयर में आई डोंट नो कराए नहीं कराए, अदरवाइज सीआरओ से तुम मेजर करोगे, यहाँ पे पॉइंट रखते हो और यहाँ पे मेजर करोगे तो 60 डिग्री का फेज शिफ्ट दिखेगा, यहाँ पे 120 और यहाँ पे 180 डिग्री, फाइन, और ये फीडबैकिंग होके यहाँ पे मिल, ठीक है। ये बल्कियर भी नहीं रहता, कॉस्ट इफेक्टिव भी रहता है, दैट इज व्हाई इट इज गोइंग टू बी प्रिफर्ड, फाइन। बना लो जल्दी से, कुछ नहीं करना, कनेक्शंस करके वैल्यूज जो रहती है कैलकुलेटर तो हो जाएगी, ऑब्जर्व जो है जो वैल्यू तुम्हें करनी है, मेजर करनी है जो कहते हैं अपन, वो आउटपुट में और इन आउटपुट में लगा के चेक करना, दैट्स इट। आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स टू कंप्लीट इट। प्रोसीजर जरूर तुम्हें मैं लिखने को बोलूंगी, उसके बाद कैलकुलेटेड वैल्यू में तो यही करना है, जो 1/2 पाई आर सी अंडर रूट 10 है, तो आर और सी में 1 और 0.02 माइक्रो फैरेड लिख के इसकी वो कैलकुलेटेड वैल्यू आएगी, ठीक है। और कैलकुलेटेड वैल्यू आएगी, उसके अलावा इसमें एक ही वैल्यू निकलती है क्योंकि ये वेरिएबल नहीं है, जैसे वैन ब्रिज में तुम्हारे दोनों रेजिस्टेंस वेरिएबल्स थे एंड दैट इज वाई द थिंग्स वर चेंजिंग, but here it is going to be only one measured value is going to become and one calculated value is going to be there, so jo calculated frequency hai aur jo measured aayegi un dono ka wapas error nikalna hai fir percentage error, wahi procedure hai jo last apan 2-3 bar se kar rahe hain, to calculation wagaira mein direct main value bata dungi, tum log karna isko, procedure zarur main bata rahi hu, jaldi bana lo beta। बन गया डायग्राम, बन गया, यस बेटा, यस मैम, बन गया। नील वो वाला भी मैंने कल देखा था जो हार्टले कॉलपिट का भी था, तो उसमें पर्टिकुलरली ठीक है, अभी जो अपने पास यहाँ वैल्यूज है वो कैलकुलेशन अपन नहीं करेंगे, अगर डिफरेंस इन कैलकुलेशन आ रहा है अपना और एरर में भी बहुत ज्यादा यूज रहेगा, विल सी अगर जब भी अपन उस पर परफॉर्म करेंगे, नहीं तो थ्योरी लिख लो उसके लिए। अभी जैसे वेनब्रिज में एग्जैक्ट आ रही है, जिसकी वैल्यूज सही आ रही है वो तो अपन लिख लेंगे, और अर्पित इसकी जो कैलकुलेशन, अर्पित आर यू देयर बेटा, इसकी जो वैल्यू कैलकुलेट करनी है वो तुम करके मुझे कल तक व्हाट्सएप करोगे, ठीक है। अभी क्लियर अर्पित, से यस और नो, नहीं तो मैं किसी और को बोलू, तो था सनी तुम कर लोगे,
एक्चुअली जो मेजर्ड आ रही है और कैलकुलेटेड, उसमें कितना डिफरेंस है, क्या है? संतोष, तुमने परसेंटेज एरर नहीं निकाली? चलो अब इसके पढ़ो। हाँ बोलो। मैम परसेंटेज फॉर्मूला मेरे को है ना समझ में नहीं आया, इसलिए मैं निकाल नहीं पाया उसको। सिंपल है, परसेंटेज फॉर्मूला में कुछ भी नहीं है। जब भी तुम्हें एरर निकालनी है तो कुछ नहीं करना, एफ जो तुम्हारी कैलकुलेट आ रही है माइनस एफ जो तुमने मेजर्ड करी है, ये तो होगी तुम्हारी फ्रिक्वेंसी कैलकुलेटेड माइनस फ्रिक्वेंसी मेजर, ये है एरर। और एरर का अगर मुझे परसेंटेज निकालना है, पहले तो फर्स्ट यू नीड टू फाइंड आउट एरर, उसी में आगे कॉलम बना दो ना, एक एरर का और एक परसेंटेज एरर का। एरर परसेंटेज निकालने का कुछ नहीं है, वट एवर इज माई एरर अपॉन अगेन फ्रिक्वेंसी कैलकुलेटेड मल्टीप्लाई बाय 100। प्लीज ऑल नोटेड डाउन, दैट इज अ थिंग। तो जो कैलकुलेटेड में से मेजर माइनस करेंगे तो वो एरर आएगी कि कैलकुलेटेड वैल्यू जो है वो एग्जैक्ट वैल्यू है। एग्जैक्ट मीन्स जो उस किट में कॉन्फिग्रेशंस वगैरह हैं उसके अकॉर्डिंग। मेजर्ड वो है जो हम सीआरओ और इससे करते हैं, और कई बार उसमें वैल्यूज वगैरह, किट पुरानी हो जाती तो डिस्टॉर्शन वगैरह से लेस या हाई आती है, तो इससे हमें पता चल जाता है कि क्या एरर है। और परसेंटेज एरर निकालते टाइम भी इट इज अवर जनरल कंसेप्ट वाले ही, तुम लोड रेगुलेशन या कुछ भी निकालो, जो हमारे एरर में लेफ्ट साइड में पैरामीटर रहता है उसी को अपन नीचे लेते हैं। ये एक जनरल कंसेप्ट है, तुम हमेशा के लिए ध्यान। नाउ इट इज क्लियर संतोष? यस यस मैम मेरे को क्लियर है, बट जो आपने जो प्रैक्टिकल बताया था उसमें जो फॉर्मूला दिया था तो उसमें ना डिवाइड बाय कॉ एफ और लिखा हुआ था, इसलिए मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। नहीं, मैं अभी दिखा दूंगी ये कंप्लीट, और एक सेकेंड, नहीं ऐसा तो नहीं होगा। मैं कैलकुलेशन वाले सेक्शन में यहाँ पर डिवाइड में एफ और लिखा था इसलिए। ऑल नहीं आएगा एक्चुअली, वो मिस्टेक है। एफ कैल्क माइनस एफ अब्जर्ड, एक सेकेंड, परसेंटेज वैसे भी एरर सिर्फ होती है एफ कैल माइनस एफ ऑब्जर्व, मतलब एफ कैलकुलेटेड माइनस एफ यू ऑब्जर्व और मेजर। परसेंटेज एरर में आता है वट एवर इज माई एरर डिवाइड बाय एफ कैल एंड देन मल्टीप्लाई बाय 100। इज इट क्लियर नाउ? यस अब इसको करके फिर बताना मुझे। जैसे कि अभी आरसी पेशिप का कौन मैम करेगा कैलकुलेशन? अर्पित का नाम लिया वो तो स्किप हो गया, वॉलेंटरी बोलो, नहीं तो सनी तुम कर लोगे या अनुजा, अरुणामा? नील तुम करोगे फिर? यस जल्दी बोलो बेटा। कोई भी नहीं करेगा? आई विल नॉट मूव अहेड जब तक मुझे एक भी नाम सुनाई नहीं देता। ओके नील तुम कर ले, करके बताना मुझे। अब इसमें कुछ नहीं करना है, कनेक्ट द सर्किट एज शोन इन द डायग्राम। 12 वोल्ट सप्लाई डीसी रेगुलेटर रहती है, चैनल को सीआरओ, इसमें हमें बस अब सीआरओ से वैल्यूज ऑब्जर्व करनी रहती है। प्लीज राइट डाउन फास्ट। और फिर वेवफॉर्म बी सी डी, बी सी डी टर्मिनल कौन सा तुम्हारा? बी सी डी, ये तीन टर्मिनल्स होते हैं, यहाँ पर हम ऑब्जर्व करेंगे वेवफॉर्म, दैट इज 60, 180 और 120 और 180 का, एंड देन विल ऑब्जर्व द फेज शिफ्ट ऑफ दिस रिस्पेक्टिव टू दिस टर्मिनल। ठीक है, प्रोसीजर लिख लो फटाफट। दिखा बस, ठीक जल्दी लिखो बेटा। बॉक्स में
अच्छा जल्दी लिखो बेटा। अच्छा मीनवाइल यू गिव योर अटेंडेंस। अरुणामा, अनुजा, प्रेजेंट मैम। प्रेजेंट मैम। सनी, यस मैम। नील, अर्पित, संतोष, सॉरी मैम आई वाजंट एबल टू हियर यू। एक्चुअली आई वाज टेलिंग कि जो अपन आरसी फेशियल की है इसकी कैलकुलेशन तुम कर लोगे। मैम एक्चुअली आई डिडंट सी व्हिच कैलकुलेशन। प्लीज बोलो, मुझे तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है। मैम मीटिंग एंड हो गई थी, मैंने देखा नहीं था आफ्टर दैट सर्किट। कुछ नहीं करना है, तुम लास्ट लैब में जैसे अटेंड करो, जो वैल्यू आर और सी की मैं बताऊंगी उसमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है फ्रिक्वेंसी की। द फॉर्मूला इज 1/2π अंडर रूट 2π आर सी अंडर रूट 10। तो आर की वैल्यू लेना है, सी की वैल्यू ये वाली लेनी है, तीन कैपेसिटर वाली नहीं है। वो तो घुमाने वाला तो सही है ही नहीं हमारा, खुद ही घुमा लो, स्पीड पे फर्क नहीं पड़ता है। संतोष माइक ऑफ करो। ठीक है, जो चीज संतोष ने करी है कि फ्रीक्वेंसी जो मेजर्ड है वो तो मैं बता रही हूँ, कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी जो है ना, तो उसमें 1/2π अंडर इस फॉर्मूले में ये वैल्यूज लिखनी है, करके कैलकुलेट करके बताना है कि सही आ रहे हैं। अब प्रोसीजर लिखिए आपका, आई थिंक फिनिश। अरुणामा, अनुजा, संतोष, सानी, यस मैम। ओके, अब कुछ नहीं करना है इसमें, सिंपली वही आर और सी की जो वैल्यू है, अब ये कैलकुलेशन है तुम्हारी, तो इसमें वैल्यू ऑफ आर जो है मेरी वो कितनी है अपने यहाँ पर 1 किलो ओम है, अगर ओम्स में बात करें तो ये है, इसकी वैल्यू आ रही है 0.022। किट पे देखेंगे वो तो अलग है, ये अपन दे, ये माइक्रोफेरेड है, मीन्स 10^-6 आ जाएगा। कैलकुलेटेड फ्रिक्वेंसी के लिए ऊपर का फॉर्मूला यूज करेंगे, फिर ऑब्जर्व फ्रिक्वेंसी निकालेंगे। एरर इज 3-4, 3-4 इज माई एरर। और फाइनली 5/3 × 100 इज माई परसेंटेज गेन। ठीक है संतोष, अब तो फॉर्मूला क्लियर हो गया। ठीक है, और फिर कुछ नहीं करना है, हमारी ऑब्जर्व वैल्यू आई, कैलकुलेटेड ही आई, परसेंटेज ही आ रहा है, ये रिजल्ट में बताना है। प्रिकॉशन इज एग्जैक्टली सेम, सो जस्ट फटाफट लिख लो क्या 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 निकालना है। पहले हम आर और सी की वैल्यू मल्टीमीटर से ऑब्जर्व करेंगे कि कितना क्या है, उसके बाद कैलकुलेट फ्रिक्वेंसी फॉर्मूले से करेंगे। तुम्हें अर्पित ये करना है, वो जो ऊपर फॉर्मूला है 1/2π √10, सॉरी 1/2π RC √10, उस फॉर्मूले से यू नीड टू बी पर्टिकुलरली फाइंड आउट द फ्रिक्वेंसी। ठीक है, और उस फ्रिक्वेंसी को फाइंड आउट करके तुम्हें जो ऑब्जर्व वैल्यू है उससे एरर निकालनी है, फिर परसेंटेज एरर। ये फॉर्मूले उसको बताए थे उससे, और तुम डिस्कस कर लेना, अभी वैन ब्रिज का उसने ही किया है। संतोष तुम मुझे परसेंटेज एरर निकाल के व्हाट्सएप करोगे। ठीक है, ओके मैम। इज इट क्लियर ऑल द प्रैक्टिकल? इसका जो वैल्यू हम लोगों ने लैब में निकाली थी लास्ट टाइम वो ये है, सेम प्रैक्टिकल इस तरह से फेस शिफ्ट आगे भी लग सकता है या पीछे, जैसे ये वैल्यू थी इसमें। अब जो वैल्यू यहाँ अपन ने वहां देखी और यहाँ पर कैलकुलेटेड में, तो तुम ऐसा करना अर्पित, ये वैल्यू लेना जो यहाँ पर जैसे रेजिस्टेंस की 5.6 किलो ओम ले रखा है। ठीक है, और ये वेरिएबल रेजिस्टेंस ये रहा, प्रोसीजर एंड एवरीथिंग इज सेम। ठीक है, अब थ्योरेटिकल वैल्यू जो आती है वो होती है कैलकुलेटेड, तो ये आ रही है इसमें 3.24। प्रैक्टिकल मीन्स जो मेजर्ड वैल्यू हम कर रहे हैं वो 4.10 में जा रही है। फेस शिफ्ट तीन टर्मिनल पे इतने आते हैं ये इसमें बताना रहता है,
तुम्हें क्या करना है, अभी तुम सब लोग लिख लो मेजर्ड वैल्यू जो आई थी 4.36 किलो ओम आई थी, ठीक है। एंड अर्पित तुम्हें जो कैलकुलेट करना है वो इस फॉर्म, एक्चुअली एक फॉर्मूला जो मैंने बताया 1/2 πRC√10, समटाइम इट यूज टू बी देयर कि पर्टिकुलरली जैसे ये सर्किट है इसमें √6 क्यों यूज किया है। सी द डायग्राम में यहाँ से हमने इधर कनेक्ट कर रखा है इसको, तो यहाँ पर इन्होंने जो लिया है वैल्यू, चलो इसकी वैल्यू अभी रहने दो, इसमें ये डायग्राम थ्योरेटिकल है या प्रैक्टिकल ये भी अपने को अभी कंफर्म नहीं है। सो ओके लीव अर्पित, ठीक है, इज इट क्लियर, जितना थ्योरी में बताया उतना तुम लोग कर ले, फाइन। अभी अपने पास टाइम है तो नेक्स्ट अपन है अब तुम्हारा प्रैक्टिकल, 9 प्रैक्टिकल तक हो गए हमारे, अब ओपैम के प्रैक्टिकल्स हमारे चालू हैं जिसमें हमारे पास आई जस्ट वॉन्ट टू ओपन सी। हमने सबसे पहले आरसी पे ये सारे जो प्रैक्टिकल किए थे अभी हम जिस पे फोकस कर रहे थे दैट वाज अ प्रैक्टिकल 7-9 जिसमें एक हार्टले कॉलपिट का था, फिर वेनब्रिज, टुडे वी कंप्लीटेड आरसी फैशिप थ्योरी, ठीक है। प्रोसीजर सेम ही है, एक बार थ्योरेटिकल वैल्यू तो तुम जो अपना डायग्राम है 1 kΩ और 0.022 माइक्रोफेरेट से करके रखना तुम लोग क्या वैल्यू आ रही है, फिर अपन मेजर जो करेंगे वो लेट्स सी व्हेन इट अलाउज, नहीं तो वहां तक तो तुम्हें करके रखनी। इवन अगर नहीं कर पाए सपोज तो लास्ट एग्जाम तक तुम्हें ये करना है, अगर ऑनलाइन हुए सपोज सो तुम्हें कैलकुलेटेड फ्रिक्वेंसी तो जो डायग्राम मैंने शेयर करे हैं उससे निकालनी ही है और उसको लिखना ही है, फाइन। अब तुम्हारे प्रैक्टिकल आते हैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर के, इट इज अ 8-पिन IC डायग्राम जिसमें 3 प्रैक्टिकल है। फर्स्ट वन इज अ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग, सेकेंड इज समिंग स्केलिंग एंड एवरेजिंग, ये होते क्या है दैट आई विल टेल यू, और एक्टिव फिल्टर यूजिंग ऑप एम्प। फिल्टर्स क्या होते हैं ये शायद तुमने सिग्नल एंड सिस्टम में या इसमें पढ़ा ही होगा, सो एक्टिव, ठीक है, एक्टिव फिल्टर्स, तो इसमें लो पास और हाई पास को किस तरह से ऑप एम्प में इम्प्लीमेंट करते हैं ये अपने को देखो, फाइन, इज इट क्लियर। तो मैं तुम्हें जस्ट जनरल इन्फॉर्मेशन अभी ओपैम की, ये जो 9th, 10th प्रैक्टिकल है इसी का मैं बता रही हूँ, ठीक है। सो अवर 10th प्रैक्टिकल इज स्टडी एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। सो बेसिकली इसमें कुछ नहीं चाहिए, पैच कोड चाहिए, मल्टीमीटर चाहिए, ऑपरेशनल एम्पलीफायर किट कुछ नहीं है, जो सर्किट डायग्राम्स रहेंगे किट में ऑलरेडी तुम्हारे जो है लिखा रहेगा इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर एंड तुम्हें सिर्फ इनपुट, और अभी जो किट्स हैं वो बहुत ही यूजर फ्रेंडली है, उसमें सिर्फ इनपुट आउटपुट में लगा के तुम्हें वैल्यूज ऑब्जर्व करनी। मेन कंसर्न मेरा तुम्हें थ्योरी में बताने का था व्हाट वी मीन बाय इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग, ठीक है। तो सबसे पहले तुम ये लिख लो कि ऑब्जेक्ट लिख लो, ऑपरेटर्स लिख लो, अभी अपने पास है टाइम 5 मिनट का, तब तक शायद थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी, वैसे भी इसकी रीडिंग्स है कैलकुलेशंस वगैरह की, ये अपन नेक्स्ट क्लास में फिर करते हैं, ये लास्ट देखते हैं जैसे तुम्हें आइडिया हो जाएगा करना क्या, ठीक है। तो पहले तो ये ऑब्जेक्ट लिख लो, ऑपरेटर्स, थ्योरी में ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर क्या होता है, डायरेक्ट कपल हाई गेन डिफरेंशियल एम्पलीफायर। डिफरेंशियल एम्पलीफायर्स पढ़े हैं क्या तुमने 3rd सेम में, यस एनीबडी, से यस और नो, नहीं पढ़े, ठीक है। तो ये अभी ओपैम जब स्टार्ट होंगे तभी आते हैं। डिफरेंशियल एम्पलीफायर ये रहते हैं बैक टू बैक दो एम्पलीफायर कनेक्ट होते हैं, ये मोर वर्सेटाइल होते हैं तुम्हारे नॉर्मल एम्पलीफायर के लिए के कंपेयर में, हाई गेन के लिए वी यूज दिस, सो इट इज अ काइंड ऑफ हाई गेन डिफरेंशियल एम्पलीफायर जो तुम्हारा ऑपरेशनल एम्पलीफायर होता है, एंड इट कैन बी यूज टू परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशंस। और ये जो एम्पलीफायर्स हैं ये मैथमेटिकल ऑपरेशन लाइक समेशन, सब्सट्रैक्शन, इंटीग्रेशन, डिवीजन, एज अ फिल्टर हम किसी भी तरह इसको यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पर अब तुम्हें ओपैम का डायग्राम थियोरेटिकल और वो सब कुछ भी डिस्कस नहीं कर रही हूँ, आई एम डायरेक्टली कमिंग टू इट्स थियोरी पार्ट जो हमारे प्रैक्टिकल में चाहिए, ठीक है। और इसका जो सिम्बॉल रहता है ओपैम का वो इस तरह से रहता है,
बाकी 8 पिन ऐसी होती है, उतना सब तुम्हें अब प्रैक्टिकल में नहीं लिखना है. इट विल क्लियर व्हेन इट इज गोइंग टू कंप्लीट इन थ्योरी, लेट्स सी. तो अभी तो पहले सबसे पहले ये ऑब्जेक्ट लिख लो, एपरेटस थ्योरी, फिर इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग क्या होता है दैट आई विल लेट यू नो. पहले हम इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग के अभी डायग्राम बनाएंगे, देन विल राइट डाउन इट्स थ्योरी, बिकॉज वंस यू मेक द डायग्राम्स देन द थ्योरी विल ऑटोमेटिकली इज गोइंग टू बी क्लियर टू यू. ऑब्जेक्ट और एपरेटस लिख लिए क्या बेटा? यस मैम. थ्योरी में ये लिख लो पहले, इट इज अ डायरेक्ट कपल हाई गेन डिफरेंशियल एम्पलीफायर विच यूज टू परफॉर्म सर्टेन मैथमेटिकल एंड अदर ऑपरेशंस. ठीक है, इसके अलावा तुम ये सब भी लिख लो, क्योंकि अभी तुम्हारे थ्योरी में नहीं हुआ है तो इट इज गुड कि एटलीस्ट तुम्हारे पास रिटर्न में डेटा रहेगा. इन्वर्टिंग एम्पलीफायर जो रहता है, तुम्हारा इनपुट सिग्नल इज अप्लाइड टू इन्वर्टिंग इनपुट. ठीक है, इन्वर्टिंग का मीन्स होता है ये, पहले तुम डायग्राम दोनों ही बना लो चलो, ताकि तुम्हें क्लियर हो जाएगा. इन्वर्टिंग मीन्स ये मेरी ऑपरेशनल एम्पलीफायर में जो मैं आईसी यूज करती हूँ वो होती है 741. ठीक है, इस ए टर्मिनल आईसी होती है, इसमें इन्वर्टिंग का मीन्स रहता है व्हेन आई एम अप्लाइंग माय इनपुट एट नेगेटिव टर्मिनल, सो माय एम्पलीफायर एक्ट एज अ इन्वर्टिंग एम्पलीफायर. और पॉजिटिव पार्ट जो है उसका हम ग्राउंड कर देते हैं और ये फीडबैकिंग इसको हमने यहाँ से दे दी, सो दैट इज कॉल्ड माय इन्वर्टिंग टर्म. एंड व्हेन आई एम गिविंग इनपुट टू माय नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल मीन्स पॉजिटिव टर्मिनल, और नेगेटिव को मैं ग्राउंड कर देती हूँ, और इस तरह से फीडबैकिंग रहती है, सो दैट इज कॉल्ड माय नॉन इनवर्ट. इसमें पॉजिटिव सप्लाई हम ऊपर देते हैं और नेगेटिव सप्लाई हम नीचे देते हैं, आउटपुट इज गोइंग टू मेजर हियर. बट यू नीड नॉट टू डू एनीथिंग, सिंपली जो इनपुट सी आर ओ का जो इनपुट तुम दे रहे हो दैट यू नीड टू कनेक्ट वंस हियर एंड वन यू नीड टू डू ग्राउंड एंड देन सी आर ओ से कनेक्ट करके इनपुट और आउटपुट की वैल्यूज लें और फिर कैलकुलेट करना है इनपुट, मतलब जो वट एवर इनपुट यू आर गिविंग उसमें आउटपुट क्या रहा. इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में क्या होगा, नॉन इन्वर्टिंग में तो पॉजिटिव दे रहे हो तो पॉजिटिव आएगा, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में क्या होगा, वट एवर इनपुट यू आर गिविंग वो आउटपुट में नेगेटिव वैल्यू के साथ, दैट यू नीड टू ऑब्जर्व. Sometime it could be the same, sometime it could be bit amplified. So first make this. I'm giving you 1 minute. Zyada hard nahi hai ye. ओके, सेकेंड इज अ नॉन इन्वर्टिंग. बना लिया था ना इन्वर्टिंग एम्पलीफायर बेटा, सिंपली कुछ नहीं था, पॉजिटिव को ग्राउंड करना है और नेगेटिव में रेजिस्टेंस लगाना था. नॉन इन्वर्टिंग बना लो बेचारी हूँ, इसकी थ्योरी तक हो जाए फिर प्रैक्टिकल वैल्यूज वगैरह अपन नेक्स्ट उसमें कर लेंगे. इसमें हमने पॉजिटिव पे इनपुट दे दिया है, नेगेटिव ये आर वन आर एफ और ये वैल्यूज दी है.
बना लिया। अरुणामा अनुजा सी आई प्रिपेयर दिस, आई वॉज नॉट अवेयर द पैंडेमिक विल कम, देन ऑल्सो आई प्रिपेयर लाइक कि चलो बच्चे आएंगे, नहीं भी आएंगे तो सोशल डिस्टेंसिंग से जो मेरे रूम में इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल लगा है मैं तुम्हें उसमें एक्सप्लेनेशन के लिए दिस मच प्रिपरेशन आई हैव डन, बट थैंक्स टू गॉड कि तुम्हारे काम आ गई, अदरवाइज इट इज वेरी डिफिकल्ट टू असेंबल द टीम। यस प्लीज कंप्लीटेड। यस मैम। ओके फाइन, अब इसमें कुछ भी नहीं है, लेट मी सी चेक, हाँ 3-4 मिनट्स हैं बेसिकली। नॉन इन्वर्टिंग तो तुम नेक्स्ट क्लास में लिखना, ओनली इन्वर्टिंग की थ्योरी लिख लो कि इनपुट सिग्नल इज अप्लाइड टू इन्वर्टिंग इनपुट, मीन्स द नेगेटिव इनपुट प्रोड्यूसेस अ पल्स ऑफ 180 डिग्री फेज शिफ्ट बिटवीन द इनपुट एंड आउटपुट, द पल्स सिग्नल इज ग्राउंडेड, नेगेटिव फीडबैक जो रहता है that is coupled from the output back to the input through the feedback resistance that is RE. That is why I told you पहले डायग्राम बना लोगे फिर थ्योरी लिखोगे तो तुम्हें क्लियर है। और वर्टिकली हम क्या करते हैं इसमें, ग्राउंड इट कैन बी डिस्क्राइब अ रेट विच, ये लिखने की तुम्हें जरूरत नहीं है, ये वाला नहीं लिखो तो भी चल जाएगा, अ नोड विच इज एट द जीरो पोटेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू द ग्राउंडेड बट नॉट फिजिकली ग्राउंडेड। गेन जो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का है उसका मैं तुम्हें फॉर्मूला बताती हूँ, पहले तुम ये लिखो, ये वाला पैरा मत लिखो डायरेक्ट, बस ये लिख लो कि इनपुट सिग्नल हमने कहाँ अप्लाई किया है, नेगेटिव को मैं और पॉजिटिव को ग्राउंड कर दिया है, फीडबैक हम आरई के थ्रू दे रहे हैं, ठीक है। बस इसका फॉर्मूला लिख के एंड करेंगे। नेक्स्ट लैब वेदर आई विल टेक टुमारो और व्हेनेवर, यू नीड टू कीप इन अ माइंड दैट तुम्हें क्या करना है उसमें कि पर्टिकुलरली या नेक्स्ट जैसे भी रहेगा मैं बता दूंगी, दो लैब में हो जाएगा अपना कंप्लीट। सी व्हाट यू नीड टू डू इज अपन नॉन इन्वर्टिंग की थ्योरी से स्टार्ट करेंगे, ये वाला प्रैक्टिकल कंप्लीट करके 11th विल स्टार्ट इन द मिडिल, फिर उस दो नेक्स्ट लैब अपन भले ही दो लेनी रहे लेकिन उसमें कंप्लीट कर। लिख लिया बेटा ये पैरा, लिख लिया क्या लिखा? से मुझे गेन का फॉर्मूला लिखवाना है तुम्हें, नॉन इन्वर्टिंग की थ्योरी से अपन नेक्स्ट उसमें डिस्कस करें। ये किड्स के परफॉर्मेंस में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा तुम्हें, और यू आर फॉर्चुनेट दैट आई एक्सप्लेन यू ईच थ्योरी, अदरवाइज इन द लैब जनरली असिस्टेंट यूज टू बी देयर दैट ही और शी यूज टू इलेबोरेट, एंड पर्टिकुलरली खुद ही तुम्हें मैनुअल से पढ़ के सारा करना रहता है, बट लाइक तुम्हारे इसमें यह कि सब कुछ कंप्लीट है, बस तुम्हें किट दिख जाएगी तो तुम्हें बस कनेक्शन करके वैल्यूज निकालनी, ठीक है। यस संतोष, सनी, नील बेटा क्या करो ना, तुम हो गया तो प्लीज बेटा। अब इसमें देखो गेन का जो फॉर्मूला है इन्वर्टिंग में वो ये रहता है, और नॉन आरएफ ए इक्वल्स टू आरएफ अपॉन आर, ठीक है। इसमें भी अगेन ये होता है, एक तो वैल्यू तुम कैलकुलेट करते हो और एक इवेलुएट करते हो, एंड दिस इक्वेशन शोज द क्लोज लूप गेन ऑफ दिस एम्पलीफायर डिपेंड्स ऑन द रेशियो ऑफ द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दैट इज आर एफ अपॉन आर वन, मतलब ये है इसमें तुम्हारा ये आर वन है और ये आर एफ, इन दोनों के रेशियो से तुम्हारा गेन निकलता है। प्लीज राइट डाउन फॉर्मूला, ए इज आर एफ अपॉन आर वन। नॉन इन्वर्टिंग में भी कुछ नहीं है लेकिन अपन नेक्स्ट उसमें करेंगे। लिख लिया ए इक्वल टू आर एफ अपॉन आर वन, आर एफ इज माई दिस फीडबैक रेजिस्टेंस और आर वन। ओके सी यू, टेक केयर।